अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 16 है, वेव्स 1 का प्रॉब्लम 37 है। दो वेव्स हैं, सेम स्ट्रिंग्स में चल रही हैं। हमें ये बताया गया है दोनों वेव्स के लिए हमें टूल दे दिया गया है कि भाई आपके उनकी इक्वेशन ये है। एक में आपके पास देखते हैं फोर्स 0.6 मिलीमीटर है साइन 2 πx माइनस 4 πt, दूसरे में 5.6 मिलीमीटर है साइन 2 πx माइनस 400 πt प्लस 8.8 π रेडियन, यानी इतने का फेज डिफरेंस चल रहा है दोनों में। अब हमसे एम्पलीट्यूड और फेज मांग रहा है, एंगल रिलेटिव टू द रिजल्टेंट वेव। फिर कह रहा है तीसरी वेव भी अगर हम भेज दें उस सिंथ में जिस सिंथ में रिजल्टेंट है, तो अब आपके पास फेज एंगल क्या मैक्सिमाइज होगा, क्या बनेगा, यानी ये मांग रहा है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दोनों वेव्स की इक्वेशन पता है, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। इस इक्वेशन को लेके हमें एम्पलीट्यूड पता लग जाएगा कि वाई एम तो 4.66 5.60, तो इसको लेके हम इस टूल में डाल देते हैं। दोनों के बीच का अगर आप फेज डिफरेंस देखें तो 0.8 π रेडियन है, यानी जितना एंगल है एंगल बिटवीन टू वेव्स, तो उसको शिफ्ट कर लेंगे 144 डिग्री बन जाएगा। इसमें वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो ये 3.29 मिलीमीटर आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड तो पता लग गया। अब वो कहता है फेज एंगल बताओ रिलेटिव टू द वन। अब जो रिजल्टेंट का एंगल होता है वो टैन अल्फा या अल्फा कह लें एंगल से, तो बी साइन थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा जनरल टू लिख लिया। अब मेरे पास ए और बी तो नहीं है, मेरे पास तो वाई एम है, यानी कि पहली वेव दूसरी वेव है, तो मैंने इसको इस लैंग्वेज में शिफ्ट कर लिया कि सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड साइन फाई फर्स्ट वेव प्लस सेकेंड वेव कॉस फाई। इसमें ये टूल में वैल्यू सारी पता थी मुझे, इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे 88.79 डिग्री आ जाएगा, रेडियन में शिफ्ट करेंगे तो 1.548 रेडियन आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वो कहता है कि 5 mm की एक एम्पलीट्यूड थर्ड वेव है, इसको सेंड करते हैं अलोंग द स्ट्रिंग इन सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट टू वेव्स। अगर दूसरी वेव में है तो इसका अंदर रिजल्टेंट तो उसी सिंथ में ही आएगा, एम्पलीट्यूड ही बदलेगा ना, क्योंकि आपने उसी सिंथ में भेजा, सिर्फ एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ेगा, एंगल में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि थर्ड वेव अगर आप उसी अलोंग द स्ट्रिंग में सेम डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो वो रिजल्टेंट तो उसी सिंथ में रहेगा, तो आपके पास जो एंगल आपने पीछे निकाला है वही एंगल हमारे पास तकरीबन आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।